हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं टैली हेल्पर और अपनी टैली डॉट कॉम से, और आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी टैली को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि टैली में जो लेटेस्ट रिलीज़ है कौन सा आपके पास है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें करेंटली मेरे पास 6.5.2 अवेलेबल है और लेटेस्ट अवेलेबल जो है वो 6.6 है। तो हमें ये रिलीज़ 6.6 में अपडेट करना होगा। इसको कैसे किया जा सकता है, जस्ट यहीं पे क्लिक कीजिए और आपको ये लिस्ट दिखा देगा कि करेंटली आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और अवेलेबल लेटेस्ट कौन सा है। तो अगर ये लिस्ट नहीं आ रही है तो आप F12 में जाइए और F12 में जाकर यहाँ पहला ऑप्शन यस कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो अवेलेबल है। तो हमें जो है अवेलेबल फ़िलहाल ये लेटेस्ट ये अवेलेबल है, इसको स्पेस बार दबा के आपने सेलेक्ट करा और F6 दबा के अपडेट कर दिया। तो यहाँ अपडेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि टैली रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिएगा, तो टैली एक बार बंद होगा, और बंद होने के बाद आपका दोबारा जब शुरू होगा तो वो आपका लेटेस्ट रिलीज़ पे आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अब ये रिलीज़ 6.6 जो लेटेस्ट है इसमें आपका अपडेट हो गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक एरर मैसेज आपको यहाँ कंट्रोल पैनल में, इसका कैलकुलेटर पैनल में दिखाई देगा, आप वो देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको सिंपली tallysolutions.com की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप डाउनलोड में जाइए, और डाउनलोड में जाने के बाद आप लेटेस्ट जो रिलीज़ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका करीब 89 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपका लेटेस्ट रिलीज में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि ये 89 MB की फ़ाइल है, डाउनलोड होने में टाइम भी लेगी, तो जो पहले वाला मेथड जो मैंने बताया वो बिल्कुल आसान और तुरंत हो जाता है। उसमें कोई समस्या आए तब आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी इस प्रोसेस में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।